सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएससीबी। तो आज मैं दोस्तों आप लोग के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि आप लोग का फिजिक्स का क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है, इसका मैं मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि यहां से बोर्ड में आएगा ही आएगा। तो दोस्त बिना मैं समय की बर्बादी करते हुए क्वेश्चन नंबर वन पे आता हूं। यानी क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर वन यही बोल रहा है कि द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एन एंगल थीटा फ्रॉम कॉमन इनिशियल डायरेक्शन इज। ये क्वेश्चन को दोस्त ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये हमको क्वेश्चन में तो पूछ रहा है वर्क डन, पहले हमको यानी वर्क डन लेकिन किसका पूछ रहा है। तो वर्क डन दोस्त पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था पहले था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था। लेकिन ये क्वेश्चन ये अलग कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे थीटा एंगल रोटेट कर दिया गया है, किसको, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। तो इसका वर्क डन कितना होगा, ये हमको पूछ रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल रोटेट कर दिया गया है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को, तो इसका वर्क डन कितना यानी किसके इक्वल होगा। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि वर्क डन निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा। किसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी दोस्त हम लोग का ये निकालना होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का निकालना होगा। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, अगर ये थीटा एंगल से रोटेट कर गया है तो, यानी थीटा एंगल से रोटेट कर जाता है तो इसको लिखते हैं पी डॉट ई, यानी माइनस पी डॉट ई। क्या लिखते हैं दोस्त, माइनस पी डॉट ई। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्त, कि माइनस पी ई कॉस थीटा। आप लोग जैसा कि जानते होंगे वेक्टर में ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, यानी माइनस पी ई कॉस थीटा के इक्वल आता है। यानी ये आप लोग का हो गया जब ये थीटा एंगल से रोटेट कर गया तब। और पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन आप लोग को ये सोचना पड़ेगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी था, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा। इसका पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा ये भी हो जाएगा माइनस पी डॉट ई ही। लेकिन आप लोग यहाँ पे समझिए कि माइनस पी डॉट ई यानी ये भी आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा के इक्वल ही। लेकिन यहाँ पे थीटा आप लोग को पता है, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री था, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी था, तो उस समय थीटा क्या बना रहा था, 0 डिग्री बना रहा था। दोनों का डायरेक्शन सेम था तो वहाँ पे थीटा 0 डिग्री बना रहा था, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता, 1 के इक्वल होता, यानी ये माइनस पी ई के इक्वल ही आ जाएगा। लेकिन हाँ, तो आप लोग का इस तरह से यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ये माइनस पी ई के इक्वल होगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दोस्त ये माइनस पी ई के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस पी ई के इक्वल हो जाएगा। मैं फिर से लिखता हूँ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो ये हो जाएगा ये माइनस पी ई के इक्वल हो जाएगा, लेकिन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ये हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन जो होता है दोस्त आप लोग जानते होंगे कि वर्क डन जो होता है ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब दोस्त कि माइनस की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आता है। तो आप लोग जानते हैं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना के इक्वल निकल के आया था, आप लोग मैं आप लोग को पहले बताया था ये कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आया था माइनस पी ई कॉस थीटा के इक्वल आया था, माइनस पी ई कॉस थीटा के इक्वल आया था। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आया था, माइनस पी ई के इक्वल आया था, माइनस पी ई। तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा और पी ई। अब देखिए दोस्त, यहाँ से आप लोग वर्क डन के इक्वल क्या निकल के आया, वर्क डन इज इक्वल टू क्या निकल के आया, माइनस पी ई कॉस थीटा प्लस पी ई। तो यहाँ से आप लोग पी ई अगर कॉमन ले लेते हैं, तो पी ई अगर कॉमन लेंगे तो आप लोग का पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल बचेगा। क्या बचेगा दोस्त, वर्क डन जो होगा वो पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा। आप लोग कॉमन लीजिएगा, पी ई को कॉमन लीजिएगा तो आप लोग का पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा, ये होगा। इस तरह से आप लोग का ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड यही बोल रहा है कि ए चार्ज कंडक्टर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में एक कंडक्टर जो है जो कि चार्ज है, तो उसके अंदर यानी चार्ज यानी उस कंडक्टर के अंदर किसी एक पॉइंट पे
इस चारों ऑप्शन में क्या होगा, यानी पोटेंशियल जीरो रहेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज जीरो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज नॉन जीरो रहेगा, यानी एनी टू ऑफ ए बी एंड सी होगा। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो रहेगा, पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सारा जगह यूनिफॉर्म रहता है, यानी एक समान रहता है, जीरो नहीं रहता है। यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो हो सकता है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता है। इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला, क्वेश्चन नंबर थर्ड यही बोला कि इफ इलेक्ट्रॉन हैज ए चार्ज ऑफ वैल्यू ई एंड मास एम एंड इट मूव्स अंडर पोटेंशियल डिफरेंस बी, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये आप लोग का किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है आप लोग का, काइनेटिक एनर्जी होता है चार्ज इनटू वोल्ट के इक्वल के बराबर होता है। ये आप लोग फॉर्मूला एकदम रट लें, काइनेटिक एनर्जी अगर कोई चार्ज है जिसका कि मास m है और उस पर चार्ज कुछ e है, तो अगर वो मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला होता है ये क्यू भी के इक्वल आता है, क्यू भी के इक्वल, अगर वो चार्ज मूव कर रहा है तो मूव करेगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी उसमें आएगा। काइनेटिक एनर्जी कब आता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, काइनेटिक एनर्जी कब आता है, जब वो मूव करता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू वी। तो क्यू यहाँ पे क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, ई दिया गया है, और वोल्ट क्या दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया गया, यानी ई भी। और आप लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल के इक्वल होता है। तो इस तरह से आप लोग का इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल आंसर आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल। इस तरह से आप लोग का सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त, सी ऑप्शन आप लोग का सही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल इक्वल के आंसर, यानी काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल के इक्वल आएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोला कि इन द फिगर द चार्ज ऑफ 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर विल बी, यानी 2 माइक्रोफेराड पे कितना चार्ज होगा, यानी 2 माइक्रोफेराड पे कितना चार्ज आएगा। तो आप लोग का दोस्त ये ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, 36 माइक्रोकूलम के इक्वल आएगा। देखिए दोस्त ये जो क्वेश्चन है थोड़ा क्वेश्चन तो ईजी ही है लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को समझा नहीं सकता हूँ क्योंकि उतना स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं होने के कारण मैं इस क्वेश्चन को आप लोग को समझा नहीं सकता हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये फॉर्मूला बेसिक पे क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे एकदम क्वेश्चन है। अगर आप लोग को कहीं दिक्कत होगा ऐसे तो ये बोर्ड में पूछ भी सकता, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन अगर आप लोग को डाउट है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा कि भैया ये मुझे बता दीजिए अच्छे से, तो मैं बिल्कुल पता ये बताऊँगा बोर्ड पर वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं होने के कारण मैं इससे इस क्वेश्चन से आगे बढ़ता हूँ, यह क्वेश्चन नंबर 5 पर चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्त यही बोल रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर एयर में रखा हुआ है, कोई भी कंडक्टर है जो कि स्फेयर आकार का है, स्फेयर कंडक्टर जो कि एयर में रखा हुआ है, तो उसका कैपेसिटेंस जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। आप लोग जानते होंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, 4πε0R के इक्वल होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4πε0R के इक्वल होता है, यानी किसके लिए, जब वो स्फेयर कंडक्टर रहता है तो स्फेयर कंडक्टर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू 4πε0R। तो यहाँ पे R क्या है, रेडियस है, स्फेयर का रेडियस है। तो दोस्त ये कैपेसिटेंस जो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोस्त रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप लोग देखिए कि रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, जैसे जैसे रेडियस घटेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस भी घटेगा, यानी आप लोग का देखिए 4 तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट ही है, पाई तो का तो वैल्यू कांस्टेंट रहता ही है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कांस्टेंट रहता ही है, तो ये तो आर पे ही ना डिपेंड कर रहा है। तो कैपेसिटेंस जो होगा ये रेडियस ऑफ द स्फीयर पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा दोस्त, आप लोग का रेडियस ऑफ द स्फीयर पे डिपेंड करेगा। इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त, बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड द कैपेसिटेंस क्या हो जाता है। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाता हूं तो उसका क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है दोस्त। आप लोग जानते होंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हो जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आप लोग को पहले मैं शो करके पढ़ता हूं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, देखिए दोस्त ये थोड़ा फिगर ये पड़ा गया गलत, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे होगा, इसको भी मैं हटा देता हूँ। देखिए ये ऐसे,
ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कि इसका आप लोग एरिया मान लीजिए ए के इक्वल है, ए के इक्वल है, यहाँ पे लिखने में नहीं बनता दोस्त, और इसका सेपरेशन जो है वो डी के इक्वल है। तो आप लोग जानते होंगे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी के इक्वल आता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, सॉरी इनटू डी नहीं अपॉन डी, यानी भागा डी, यानी कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो देखिए दोस्त, डी जो है यहाँ पे डिस्टेंस है किसके किसके बीच का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है। तो अगर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिस्टेंस अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा दोस्त, डिक्रीज कर कर जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से आप लोग का कि जो कैपेसिटेंस होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 यही बोल रहा है कि एन कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड, यानी एन कैपेसिटर जो है वो इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज, यानी पहले जो है वो पैरेलल से कनेक्ट है, फिर उसके बाद क्या किया गया उसको सीरीज से कनेक्ट कर दिया गया, क्या जैसे ये कनेक्ट कर दिया गया दोस्त, उसको सीरीज से कनेक्ट कर दिया गया है। तो इसमें क्या दोस्त पूछ रहा है, उसको सीरीज से कनेक्ट कर दिया गया, पहले पैरेलल से ही किया है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि जो एन कैपेसिटर है, एन कैपेसिटर सभी का कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो सी मान लेते हैं, क्योंकि एन कैपेसिटर आर इक्वल, सभी इक्वल है, तो इसको सी के मान लेते हैं, सी के इक्वल मान लेते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि जो सी इक्विवेलेंट का जो यहां से जो आता है, यानी सी इक्विवेलेंट जो आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, सी इक्विवेलेंट किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए जो आता है वो एनसी के इक्वल आता है, एनसी के इक्वल आता है, समझ रहे हैं ना, एनसी के इक्वल आता है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ कैपेसिटर है, एन यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ कैपेसिटर है, और सी जो है कैपेसिटेंस है, समझ रहे हैं, और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है वो एनसी के इक्वल आता है, एन ये है नंबर ऑफ कैपेसिटर और सी हो जाता है कैपेसिटर, जो कि इक्वल है सब। और ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट जो आता है कि पैरेलल प्लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनसी के इक्वल होता है, और जो होता है सीरीज वाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल आता है, सी अपॉन एन के इक्वल आता है, किसके इक्वल आता है दोस्त, सी अपॉन एन के इक्वल आता है। तो सी अपॉन एन के इक्वल आता है। तो आप लोग देखिए कि द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस इन टू कंडीशंस, यानी दोनों कंडीशंस के बीच में हम लोग का रेशियो पूछा है। तो पहले पैरेलल का है, तो पैरेलल का कितना होता है एनसी अपॉन क्या लिखेंगे, एनसी अपॉन सी अपॉन एन। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि यहाँ से सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा और एन चला जाएगा ऊपर, इसलिए सी बराबर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, यानी एन स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, यानी इस तरह से आप लोग का सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त, एन स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन पैरेलल इज 4.5 माइक्रोफेराड इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, यानी किसके इक्वल आता है। तो आप लोग देखिए दोस्त, यहाँ पे जो फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला से ही सारा कुछ बनेगा, फॉर्मूला से ही, कुछ क्वेश्चन टफ नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ थ्री आइडेंटिकल, यानी थ्री आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या होगा, एक जैसा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू दे दिया है पैरेलल कैपेसिटर के लिए, यानी पैरेलल कैपेसिटर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू किसके इक्वल दिया है, 4.5 माइक्रोफेराड के इक्वल दे दिया गया। और फिर इसके आगे बोल रहा है कि इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले तो पैरेलल में ये कनेक्ट था, लेकिन उसके बाद क्या काम किया गया, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। तो उसके बाद पूछ रहा है कि इसका फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटर किसके इक्वल होगा, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना के इक्वल होगा। पहले ये पैरेलल में कनेक्ट था, तो पैरेलल में कनेक्ट था, लेकिन ये कैपेसिटर का वैल्यू नहीं दिया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू दे दिया गया है, लेकिन आइडेंटिकल है। तो आप लोग फॉर्मूला से तो दोस्त निकाल ही लीजिएगा ना, यानी सी इक्विवेलेंट किसके इक्वल आता है, सी इक्विवेलेंट जो होता है दोस्त, सी इक्विवेलेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एनसी के इक्वल आ जाता है। तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया, एन का वैल्यू यहाँ पे 3 रख लीजिएगा, तो क्या आप लोग यहाँ से सी का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा, सी का वैल्यू दोस्त आप लोग आसानी से यहाँ से निकाल लीजिएगा, सी बराबर आप लोग निकाल लीजिएगा जो भी आ जाएगा, क्योंकि सी बराबर क्या हो जाएगा, एन अपॉन क्या हो जाएगा, सी बराबर सी इक्विवेलेंट अपॉन एन। तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू दे ही दिया गया 4.5, एन का वैल्यू आप लोग को पता ही है 3 यहाँ पे दिया गया है, तो 3 यानी 4.5 अपॉन 3 ये रखिएगा, जो भी वैल्यू आएगा फिर उसका यानी आप लोग का कैपेसिटर का वैल्यू निकल जाएगा। तो कैपेसिटर का अगर वैल्यू निकल जाएगा तो आप लोग सीरीज में उसको फिर सरिया लीजिएगा, सीरीज में फिर सरिया लीजिएगा। तो उसके बाद फॉर्मूला क्या हो जाता है सीरीज के लिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, सीरीज के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटर का जो वैल्यू होता है दोस्त,
क्या हो जाता है, n अपॉन सी के इक्वल, सी अपॉन एन के इक्वल होता है, सी अपॉन एन के इक्वल हो जाता है। तो सी का वैल्यू फिर रखिएगा, एन का वैल्यू रखिएगा 3, आराम से निकाल लीजिएगा। तो आप लोग का दोस्त इस तरह से जो होगा 0.5 माइक्रोफेराड के इक्वल आता है, 0.5 इंटू 10^-6 फेराड के ऐसे करके आएगा। तो आप लोग 10^-6 मतलब क्या हुआ, माइक्रो का ही तो वैल्यू है 10^-6। तो इस तरह से दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि इफ़ ए 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर बी चार्ज 2.5 वोल्ट द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज। तो दोस्त ये क्या क्वेश्चन है, ये कैपेसिटर का आप लोग का वैल्यू पूछ रहा है। तो कैपेसिटर का आप लोग का वैल्यू नहीं आता है, चार्ज इंटू वोल्ट। चार्ज का वैल्यू रखिए ना दोस्त 10 माइक्रोफेराड और वोल्ट का वैल्यू रखिए ना 5 वोल्ट। इसको तो मल्टीप्लाई करना, 10 × 10^-6 गुना 5 कितना आ जाएगा, 5 × 10^-6 के इक्वल आ जाएगा। यानी इस तरह से आप लोग का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला पे है क्वेश्चन दोस्त, सी इजिकल टू क्यू भी, जो कि आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं सॉरी क्लास 12th में पढ़े होंगे, स्टार्टिंग में ही कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 यही बोल रहा है कि इफ एन अर्थेड कंडक्टर इज ब्राउट नियर एन इंसुलेटेड कंडक्टर देन द कैपेसिटर कैपेसिटी ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर इज। यानी क्या हो जाता है, अगर कोई अर्थ कंडक्टर से, अगर कोई कंडक्टर अर्थ से वो कंडक्ट है और उसके बगल में इंसुलेटेड कंडक्टर लाया जाता है, तो उसका कैपेसिटी किसके, यानी कंडक्टर का इंसुलेटेड का जो कैपेसिटी होता है तब क्या हो जाता है, यानी इंक्रीज कर जाता है दोस्त। क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि वांडेग्राफ जनरेटर इज ए मशीन दैट प्रोड्यूस। वांडेग्राफ जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है, तो आप लोग जानते होंगे दोस्त ये वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, वोल्टेज ऑफ सेवरल लाख वोल्ट। ये आप लोग का सी ऑप्शन सही है। वांडेग्राफ जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है, ये एक प्रकार का मशीन है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, पावर तो नहीं ये प्रोड्यूस कर रहा, हाई फ्रिक्वेंसी का ये करंट का नहीं ये प्रोड्यूस करता है, ये तो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है जो कि सेवरल लाख ऑफ वोल्ट्स में प्रोड्यूस करता है। इस तरह से दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्त, जूल पर कूलम होता है, जूल पर कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वी इजिक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है ना दोस्त, वी इजिक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू का क्या हो जाता है, जूल, क्यू का यानी चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम। यानी इस तरह से आप लोग का ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आप लोग का सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कौन सा यूनिट नहीं है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि न्यूटन पर कूलम कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यूटन यहाँ फोर्स वोर्स का बात नहीं आता। इस तरह से आप लोग का डायरेक्ट आप लोग मार सकते हैं कि सी ऑप्शन आप लोग का सही है, सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट है, जो कि न्यूटन पर कूलम कभी भी आंसर नहीं हो सकता। वोल्ट आता है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, जूल पर कूलम आप लोग को अभी दिखाए हैं, और न्यूटन मीटर पर कूलम भी होता है, लेकिन न्यूटन पर कूलम नहीं होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, तो एनर्जी का यूनिट है, और किसका यूनिट है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10^-19 जूल के इक्वल होता है। इस तरह से दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E कूलम पासिस थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट्स इफ एनर्जी इन जूल्स। दोस्त आप लोग को मैं क्वेश्चन ही करवाया था पहले ही, क्वेश्चन नंबर 2nd या 3rd कौन सा क्वेश्चन था, जो कि आप लोग का इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आता है, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आता है। यहाँ पे जूल नहीं दिया है, जूल तो क्वेश्चन में दे दिया कि ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दोस्त, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू भी, जो कि आप लोग मैं बताया था। तो क्यू के वैल्यू, क्यू के पास यहाँ पे क्या रखिएगा, ई रखिएगा, क्योंकि चार्ज का वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, ई है, और वोल्ट हो ये हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इस तरह से दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू नॉट इज मूव्ड अराउंड ए चार्ज प्लस क्यू अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर फ्रॉम ए टू बी द वर्क डन। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है दोस्त, जीरो के इक्वल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, और क्या। इस तरह से दोस्त चलते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, इलेक्ट्रिक जब वो करंट, जब वो चार्ज जब मूव कर रहा है अराउंड ए चार्ज प्लस क्यू ऑन ए सर्कुलर पाथ, तो इसका जो वर्क डन होता है वो जीरो के इक्वल होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सेंटर ऑफ ए चार्ज होलो मेटल स्फेयर इज, यानी होलो मेटल स्फेयर के अंदर क्या हो जाता है, इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या होता है, सेम रहता है, सब जगह सेम रहता है। सेम क्यों रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह सेम रहता है, यानी यूनिफॉर्म रहता है। इस तरह से आप लोग का डी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला कि द फिजिकल क्वालिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉगस टू टेम्परेचर टू इन हीट, यानी पोटेंशियल के इक्वल होता है, ये ऑप्शन सही है। इस तरह से दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे।
यानी ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज रिलीज फ्रॉम टेस्ट फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए सोर्स चार्ज क्यू व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी दैट मे बी एक्वायर्ड बाई टेस्ट चार्ज. यानी किसी भी टेस्ट चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाया गया, यानी लाया गया, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किसके इक्वल होगा, यानी 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर, यानी के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर के इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी. इस तरह से जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे. क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला कि थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज द रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी. द रिजल्टेंट कैपेसिटी किसके इक्वल होता है दोस्त, सी अपॉन क्या पढ़े थे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, सी अपॉन एन. तो सी का वैल्यू क्या है, सी ही है, और एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटी कितना है, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना है, थ्री है, तो सी अपॉन थ्री होगा. ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, यानी इस तरह से आप लोग का सी ऑप्शन सही है, सी अपॉन थ्री. यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, सी अपॉन थ्री के, क्योंकि सी अपॉन एन फॉर्मूला ही होता है, एन के जगह थ्री पुट कीजिएगा, सी अपॉन थ्री किसके लिए, ये सीरीज के लिए है, यही पैरेलल के लिए होता है, तो क्या लिखते हैं एन सी, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एन सी, वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे डिवाइड होता है. इस तरह से दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे. क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल एंड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इज प्रोपोर्शनल टू. देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सिस पे यानी एक्सियल लाइन पे किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है एक्सियल लाइन पर, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डायपोल का किसके इक्वल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो आप जानते होंगे 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है. ये तो फार्मूला से है दोस्त, डायरेक्ट फार्मूला से ही दे दिया गया है सारा. क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 यही बोल रहा है कि द स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर एट द सेम पोटेंशियल इफ़ देयर सर्फेस चार्ज डेंसिटी आर σ1 एंड σ2 रिस्पेक्टिवली देन σ1/σ2 किसके इक्वल होता है दोस्त, आप लोग का r2/r1 के इक्वल होता है, यानी σ1/σ2 इज इक्वल टू r2/r1. डायरेक्ट फार्मूला से है दोस्त, आप लोग को फार्मूला याद करना है. द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज एफ इन एयर व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम इफ द डिस्टेंस बिकम्स डबल. देखिए दो चार्ज है जिसके बीच फोर्स एफ लग रहा था, अगर वो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर डबल कर दिया जाए, पहले आर था फिर उसके बाद 2r कर दिया जाए, तो उसके बाद फोर्स क्या होगा, नया फोर्स क्या लगेगा, तो फोर्स अगर दोस्त डबल कर दिया गया तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. आर यहाँ पे क्या हो गया 2r, यानी 2r का स्क्वायर, 2r स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया 2r का होल स्क्वायर, तो 2r होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया 4r स्क्वायर, यानी फोर्स जो होगा वो 4 गुना कम हो जाएगा, यानी एफ अपॉन 4 आंसर आएगा. फॉर्मूला से डायरेक्ट दोस्त, ये तो फर्स्ट ही चैप्टर का है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर चार्ज्ड सच दैट दे हैव द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन देयर सरफेस द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट देयर सेंटर इज. तो किसके इक्वल होता है, r1/r2 के इक्वल होता है, बी ऑप्शन आप लोग का सही है. इस तरह से दोस्त आज के लिए इतना ही, 25 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, अगला सेट में मैं फिर 25 से बढ़ूंगा आगे, जो कि 50 यानी 25-25 क्वेश्चन का मैं सेट लेकर आया हूँ. फर्स्ट चैप्टर का 4 वीडियो में मैं कंप्लीट किया हूँ, 100 ऑब्जेक्टिव वो बिल्कुल आप लोग पढ़ें, वहाँ से देखें दोस्त, ये सब ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ये मैं ऐसा नहीं कि 10-15 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, यहाँ से मैं 100 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ हर एक चैप्टर से. तो हर एक चैप्टर से अगर मैं 100 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ तो कुछ तो खास है, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो अब आएगा कहाँ से, एक एक चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव, ये दोस्त कम नहीं है, आप लोगों को लगता होगा कम है लेकिन ये कम नहीं है, 100-100 ऑब्जेक्टिव है. तो आप लोग यहाँ से पढ़िए, बिल्कुल अच्छे नंबर पाइए. तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो आप लोग अचीवर बीएससीबी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका वेबसाइट पे जाएं अचीवर बीएससीबी, तो दोस्तों वहाँ पे सारा कुछ आपको पीडीएफ मटेरियल नोट्स बोर्ड सारा कुछ मिल जाएगा. तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में.